धंधा करना है तो प्लानर खुद बनना पड़ेगा। हम अपने आप को कमजोर मानते हैं इसलिए हम कमजोर हैं। जिस दिन अपने आप को ताकतवर मानना शुरू कर दोगे, इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप बन जाओगे। प्लान क्या चीज है? अब क्या क्या चीजें हैं सीखने में, क्या क्या चीजें हैं करने में, और क्या क्या चीजें आपको आगे फॉरवर्ड करना है, हम उस पर बात करने हैं। अब हम बात करते हैं सीखने में। आपको तीन क्वालिटी चाहिए इस बिजनेस के अंदर डेवलप होने के लिए। सबसे पहला आपको बनना पड़ेगा एक अच्छा प्लानर। क्या बनना पड़ेगा? एक अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? प्लानर का मतलब होता है आपको प्लान देने अच्छे से आना चाहिए। किसका? एसलिपियस वेलनेस का प्लान देने आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके लिए हमारे यहां एक ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग का नाम है 10 कदम ट्रेनिंग। सुना है कभी? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है? गुड। तो आप सबको क्या करना है, सबसे पहले 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड करना है। करोगे? करोगे? अब 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड करने में होंगे भाई साहब पैसे खर्च। करोगे? कई लोग तो बोल रहे होंगे अभी 18,000 मांगा था, प्रोडक्ट खत्म भी नहीं हुआ, फिर मुंह खोल दिया। इनका ऐसे ही चलते रहता है जिंदगी में, बिना सीखे कुछ होने वाला। अनटैलेंटेड लोग कभी भी असफल नहीं हो सकते। अनटैलेंटेड लोगों के हाथ में केवल असफलता आती है। अगर सफल होना है तो टैलेंटेड बनना पड़ेगा, और टैलेंट को हमेशा पैसे से खरीद के सीखना चाहिए। फ्री का कोई किताब पकड़ा देना, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो पढ़ेंगे, लेकिन वही किताब अगर आप 500 रुपये में खरीद लेते हो, न चाहते हुए 4 बार पलटोगे जरूर, भाई पैसा दे के खरीदा है, पता नहीं क्या लिखा है इसके अंदर। यस या नो? तो 10 कदम ट्रेनिंग में अगर आप नहीं आए हैं तो आइए, वहां आपको सिखाया जाएगा कि एसलीपीएस वेलनेस का बिजनेस प्लान देना कैसे है। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे बिजनेस में पैसा कैसे आता है? जब हम किसी को प्लान देते हैं, बंदे को बात समझ में आती है, वो ज्वाइन होता है, हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, प्रोडक्ट बिकता है, तो सेल्स पॉइंट जनरेट होता है और पैसे आते हैं। यस या नो? पक्की बात है ना? ये और कोई दूसरा तरीका है? कोई और दूसरा तरीका तो नहीं है? क्या ट्रेनिंग अटेंड करने से पैसे आते हैं? नो, नहीं आते। क्या हल्ला करने से पैसा आता है? नो, नहीं आते। क्या ठंड में बैठने से पैसा आता है? नो, कभी नहीं आते। क्या पानी में कूदने से पैसा आएगा? नो, नहीं आएगा। पैसा तो आएगा, चाहे तरीका जो भी हो, आपको जब प्लान करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोग ज्वाइन होंगे, प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा। आई एम राइट? बात सही है ना? और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको प्लान देने आना चाहिए, और वो प्लान देने आपको तब आएगा जब आप किसी से प्लान देना। तो किससे सीखना है? फिर से बोलिए। इधर वाले ना चुप रहेंगे, इधर वाले किससे सीखना है? सारे लोग हाथ ऊपर करके। इधर वाले नहीं, इधर वाले केवल। अब ये चुप हो जाएंगे जो बीच में बैठे हैं, उसके इधर वाले किससे सीखना है? अच्छा, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले, पक्का ना? सारे बोलो यस। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम अप्लाइंस से हर बार ये क्वेश्चन करते हैं, सर मेरा चेक नहीं आ रहा है। करते हो? करते हो? सर मेरा रैंक नहीं निकल रहा है। सारे लोग क्वेश्चन करते हो, लेकिन दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या आपने कभी अप्लाइंस से पूछा, सर मुझे बताइए बिजनेस करना कैसे, मुझे सिखाइए सेल आता कैसे है? कितने लोगों ने पूछा? झूठ। आप सबके अप्लाइंस यहां बैठे हैं, यही पूछना है। मैं चाहता हूं एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जाए कि कोई भी बंदा आपको ज्वाइन कराए, इतना परेशान कर दो उसको, इतना परेशान कर दो कि रात रात भर जग के आपको काम सिखा दे।
जब पहली बार 2016 में महिपाल सर आए थे वाराणसी के अंदर, आपको पता है मैंने प्लान उनसे कितनी बार सुना था? एक बार, और अगले बार से मैं प्लान दिखाना शुरू कर दिया था। एक बार केवल प्लान सुना था बस, अगले प्लान मेरा खुद का था, मैं डिपेंड नहीं था किसी अपलाइन के ऊपर, किसी डाउनलाइन के ऊपर कि अपलाइन आएगा। अरे भाई अपलाइन आएगा, प्लान दिखाएगा तो हमारे चेक बनेंगे, और अपलाइन के बीच में कुछ हो गया तो भाई कोरोना आया, अपलाइन निकल गया होता तो भरोसा है? तो एसलीपीएस तो तब होगा जब आपको प्लान दिखाने आएगा, यस या नो? तो आज के बाद कसम खा के निकलो, चाहे जो भी हो जाए, मेरा प्लान मैं दिखाऊंगा। अपलाइन हो सके तो केवल फॉलोअप के लिए इस्तेमाल करूंगा बस। करोगे? अब कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्लान देना नहीं आता है, हाथ ऊपर करना। आज से लेके 15 दिन तक अपलाइन का साथ मत छोड़ना, हाथ ऊपर रखो 15 दिन। बाकी सबको प्लान देने आता है? बाकी सबको प्लान देने आता है? जुल्फिकार की बीवी नजबून दौड़ते हुए अपने हस्बैंड के पास आई और बोली, अजी छोटे बच्चे ने 25 पैसे का सिक्का निगल लिया है। तो जुल्फिकार बोलता है, कोई बात नहीं, 25 पैसे में मिलता क्या है? कई बार हम समझाने की कोशिश कुछ और करते हैं, सामने वाला कुछ और समझ के बैठा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक आई समस्या लेके, गले में टंग गया है 25 पैसे का सिक्का, और दूसरा बोल रहा है छोड़ दे 25 पैसे में मिलता क्या, निकल जाने दे, वो टंगा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को। कितने ऐसे लोग हैं जो सेल्फ प्लान नहीं कर पाते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बोला जाए भाई साहब सामने वाले को प्लान कर दो और आप प्लान कर पाने में असमर्थ हैं, झूठ मत बोलो, हाथ ऊपर करो। अब बाकी सब कर लेते हो तो सबसे ज्यादा दोषी तो वही हैं जो कर लेते हैं उसके बाद नहीं करते हैं। हाँ, तो जो हाथ ऊपर कीजिए, आप सबको क्या करना है, जिसने आपको ज्वाइन कराया है, अगले 15 दिन तक रात का नींद खराब कर देना, उसके बिस्तर में घुस जाना कि भाई साहब अगर लिए 18,000 रुपए तो मुझे प्लान देना सिखाओ, नहीं तो बीवी के साथ नहीं जाने दूंगा। आपका डेली का खाना भाई साहब के घर में होना चाहिए, 18,000 रुपए लिए हैं, क्लियर है? और ये अपलाइनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो अपलाइन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये जो जो हाथ अभी ऊपर उठे थे, इन सबको आप प्लान देना सिखाइए। और कोई टफ नहीं है यार, कुछ भी टफ नहीं है। अपने प्लान में है क्या? हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है जो फोल्डर में दिया हुआ है, यस या नो? देख के बोलना ही तो है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को थोड़ी पता है। आप जेंट्स को गाइनोडॉक पिला दो, सामने वाला कुछ पता है क्या? पता है क्या? मजे की बात क्या है कि कोई जेंट्स अगर गाइनोडॉक पी भी लेगा तो फायदा ही करेगा, लॉस तो नहीं करेगा। इतना सोचना क्या इसमें? हम एक्सपेरिमेंट बीमारों पे करेंगे ही नहीं, हम एक्सपेरिमेंट तगड़ों पे करेंगे। कोई दिक्कत होगी क्या? तो डर क्यों रहे हो? मुझे एक चीज बताइए, पहली बार में आपको प्लान समझ में आया था? कितने लोगों को प्लान समझ में आ गया था पहली बार में? हेड झूठ, जब हमें नहीं समझ में आया। पहली बार में प्लान देख के कोई ज्वाइन नहीं करता। अच्छा, पहली बार में सबको प्रोडक्ट याद हो गए थे? प्रोडक्ट की बात छोड़ो, कंपनी का नाम तक याद नहीं हुआ होगा। अभी भी यहां बहुत सारे महानुभाव बैठे होंगे जिनको एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड बोलना नहीं आता होगा और 35,000-40,000 का चेक ले चुके होंगे, यस या नो? हाँ या ना? तो आपको जो सीनियर था उसने क्या बोल के ज्वाइन कराया, क्या प्लान दिखाया, याद है आपको? तो यकीन मानिए,
इस दुनिया में लोग हमेशा एक जैसे ही होते हैं। तो शुरू में टूटा फूटा प्लान दो, बाद में थोड़ा और परफेक्ट, फिर और परफेक्ट। एक दिन ऐसा होगा कि आप 1x1 ज्वाइनिंग के प्लानर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहला प्लान आपको देना पड़ेगा। कर सकते हो? आज के बाद प्लान दोगे? खुद करोगे? और प्लानर और अच्छा बनना है तो 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। इसको स्किप करके आज तक कोई डायमंड नहीं बन सका है, ना बनेगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, डायमंड बनना है तो खुद प्लान देना ही पड़ेगा। अपलाइन कब तक सहारा देगा भाई साहब? कोई भी इंसान बच्चा तो है नहीं, यस या नो? कोई बच्चा है क्या यहां? एक बच्चे को भी अगर कोई बोल देना कि बेटा एक साइकिल गिफ्ट करूंगा, ये 20 पेज का प्लान है, रट के सुना दे, गारंटी बता रहा हूं 4 दिन में रट के सुना देगा। ट्राई करके देख लेना। और हायरे हमारी बुद्धि, हमें बोला जाता है 70 करोड़ मिलेगा, 20 पेज का प्लान रट के सुना दे, हम नहीं सुनाते। होता है नहीं होता है? यस या नो? बदलना पड़ेगा इस मेंटेलिटी को। आज के बाद इस हॉल से कसम खा के निकलो, धंधा करना है तो प्लानर खुद बनना पड़ेगा। गरीबी की जंग जब मेरी है तो लड़ाई में आगे हमें रहना पड़ेगा। कब तक अपलाइन का सहारा लेते रहोगे? यस या नो? और कोई टफ काम नहीं का है। मैं बोलता हूं इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप हैं। आपने आज तक अपनी जिंदगी में वो काम कर दिए जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। सोच के देखो। हम अपने आप को कमजोर मानते हैं इसलिए हम कमजोर हैं। जिस दिन अपने आप को ताकतवर मानना शुरू कर दोगे, इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप बन जाओगे। प्लान क्या चीज है? शुरू करना है, प्लान देना आज से।